अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। माली साल 2022-2023 के बजट्स वफाकी हुकूमत और इसके साथ साथ तमाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से पेश कर दिए गए हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया है। अगर तनख्वाहों में इजाफे की बात की जाए तो स्केल्स को रिवाइज़ कर दिया गया है और इसके साथ साथ तनख्वाहों में 15% इजाफा भी किया गया है। पेंशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वफाकी हुकूमत और पंजाब की जानिब से अपने पेंशनर्स के लिए 5%, जबकि दीगर सूबाई हुकूमतें जिसमें KPK, बलूचिस्तान और सिंध शामिल हैं, इनकी जानिब से अपने पेंशनर्स के लिए 15% पेंशन में इजाफा कर दिया गया है। पे स्केल रिवीजन, तनख्वाहों में 15% इजाफे और इसके आपकी सैलरीज पे फाइनेंशियल इम्पेक्ट के हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और इस वीडियो में अपर राइट कॉर्नर पे भी मेंशन है। आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा इजीली चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन के हवाले से। चैनल के बहुत से व्यूवर्स के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए जो कि कह रहे थे कि आपने सैलरीज पर तो वीडियो बना दी है, लेकिन हमें बताएं कि पेंशन में इजाफे के साथ हमारी पेंशन में कितना इजाफा होगा। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद, चाहे आप फेडरल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या फिर आपका तल्लुक किसी सूबाई हुकूमत से है, आप इजीली 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी पेंशन में इजाफा कैलकुलेट कर सकते हैं और आप ये देख सकेंगे कि आपको 1 जुलाई 2022 से नई पेंशन कितनी रिसीव होगी। सिर्फ आपने ये करना होगा कि इस छोटी सी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस कॉन्टेंट को अभी से लाइक और शेयर कर दें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप टाइमली हासिल करना चाहते हैं तो चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि इस चैनल पे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। अपनी पेंशन में इजाफा कैलकुलेट और नई पेंशन मालूम करने के लिए आपके पास आपकी मंथली पेंशन स्लिप होनी चाहिए, आपकी मंथली पेंशन स्लिप लेटेस्ट होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तमाम पेंशनर्स की जो पेंशन होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो आपकी पेंशन होती है जबकि दूसरा हिस्सा आपकी पेंशन का मेडिकल अलाउंस होता है। जैसा कि ये एक पेंशन है, उनकी आप पेंशन स्लिप देख सकते हैं, मंथली पेंशन है वो 61,221 रुपये है, इसमें इनका मेडिकल अलाउंस 6,272 रुपये है। जब अब जो पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है वो इजाफा इस अमाउंट 54,949 पे होता है जो कि मेडिकल अलाउंस को माइनस करके होती है। मोस्टली पेंशन स्लिप्स ऐसी होती हैं जिसमें आपकी पेंशन और मेडिकल अलाउंस को सेपरेट मेंशन किया जाता है, जैसा कि आप इस पेंशन स्लिप में देख सकते हैं। यहाँ पे जो पेंशन है वो 54,949 रुपये जबकि मेडिकल अलाउंस जो है वो 6,272 रुपये हैं। तो इस पेंशनर की जो पेंशन है वो 61,221 रुपये है। जैसा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की जानिब से जो पेंशन में इजाफा किया गया है वो आपको आपकी नेट पेंशन पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल अलाउंस शामिल नहीं होगा। आपकी पेंशन स्लिप पे मेडिकल अलाउंस और पेंशन सेपरेट हैं तो इस केस में आपका काम बहुत ही आसान हो चुका है। लेकिन अगर आपकी पेंशन स्लिप में आपकी पेंशन और मेडिकल अलाउंसेस दोनों शामिल हैं तो आपकी जो टोटल पेंशन होगी, जैसे कि यहाँ पे 61,221 रुपये है, अपनी टोटल पेंशन में से आपने मेडिकल अलाउंस की अमाउंट को माइनस कर देना है। 61,221 रुपये में से जब हम 6,272 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास 54,949 रुपये पेंशन आ जाएगी। अब इस पेंशन पे आपको इजाफा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो पेंशन स्लिप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक फेडरल गवर्नमेंट के पेंशनर की है और फेडरल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं उनको 5% पेंशन में इजाफा प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 को फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पेंशनर्स को 10% इजाफा पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। तो हम यहाँ पर सिंपली इस पेंशनर की जो नेट पेंशन है मेडिकल अलाउंस से पहले वाली वो पेंशन लिखते हैं जो कि 54,949 रुपये है। इसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे इनको 5% इजाफा प्रोवाइड किया गया है तो हम यहाँ पे 5% इंक्रीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपली आपने जो आपकी नेट पेंशन है मेडिकल अलाउंसेस के अलावा उसका 5% कैलकुलेट कर लेना है जो कि यहाँ पे 2,747 रुपये बनता है। तो आप देख सकते हैं इन पेंशनर की जो पेंशन है उसमें 2,747 रुपये का इजाफा हो चुका है। इंक्रीज़ होने से पहले जो इनकी पेंशन थी वो 61,221 रुपये थी, जबकि अब इनकी जो नई पेंशन है जो कि इनको 1 जुलाई 2022 से प्रोवाइड की जाएगी वो 63,968 रुपये होगी। इसी तरह सिंपली अगर आप किसी सूबाई हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट या KP के गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो आपने अपनी पेंशन का यहाँ पे 15% कैलकुलेट करना होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता भी देता हूँ।
अगर हम 15% कैलकुलेट करें तो यहाँ पे अब इन पेंशनर की पेंशन में 8,242 रुपये इजाफा होगा और इनकी नई पेंशन 69,463 रुपये हो जाएगी। एक दफ़ा फिर से मेथड रिवाइज़ कर देता हूँ। सिंपली आपने अपनी मंथली पेंशन स्लिप लेनी है और पेंशन स्लिप में आपने अपनी पेंशन से मेडिकल अलाउंस को माइनस कर देना है। जो अमाउंट आपकी मेडिकल अलाउंस को एक्सक्लूड करके आएगी उस अमाउंट पे आपकी पेंशन में जितना भी इजाफा हुआ है, चाहे वो 5% है या 15% है, वो आपने कैलकुलेट कर लेना और इस अमाउंट को आपने अपनी पुरानी पेंशन में ऐड कर लेना। तो इस तरह से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी नई पेंशन कितनी होगी और आपकी पेंशन में इजाफा कितना हुआ है। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मौजूद दोस्तों, हमारी आज की वीडियो पेंशन कैलकुलेशन के हवाले से थी। मैंने आपको बताया है कि रिसेंटली जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशनर्स के लिए पेंशन में इजाफा किया गया है, उसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इजीली 1 से 2 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं कि पेंशन के इस इजाफे से आपकी पेंशन पे क्या फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।